हेलो एंड वेलकम टू दी सिविल स्टडी कैफे। सिविल स्टडी कैफे एक बार फिर से आपको स्वागत करता है। हम देख रहे हैं MBBSE मेंस आंसर राइटिंग डिस्कशन सीरीज वन। तो डिस्कशन सीरीज वन में आपका स्वागत है। देखिए, अभी तक हमने डिस्कस किया था MBBSE 2018 का मेंस का पेपर वन, और उसमें 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन, और उसके बाद पार्ट ए के 6 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। 2 वीडियोस में हम इतने क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिर से रिपीट कर लेते हैं। Describe the public welfare activities of Firoz Shah Tughlaq। मतलब Firoz Shah Tughlaq के जनकल्याणकारी कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए, किसी इंसान के बारे में किसी टाइप का कोई क्वेश्चन आता है और वो किस बेस पर आता है, तो आप थोड़ा सा इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल फिरोज शाह तुगलक के जनकल्याणकारी कार्यों का वर्णन कीजिए। इसमें क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि उनके द्वारा जो जनकल्याणकारी कार्य किए गए थे जनता की भलाई में, पब्लिक इंटरेस्ट में, उन कार्यों के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उन एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना है। कुल मिलाकर आपको ये समझ लेना चाहिए कि इन्होंने जनकल्याणकारी कार्य तो किए ही किए होंगे, इसलिए क्वेश्चन पूछ ही ऐसे रहा है, अन्यथा पूछता ही नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। देखिए, जनता को कल्याणकारी लाभ पहुंचाया। इंट्रोडक्शन में मैंने सिर्फ आपको एक लाइन मेंशन करके दे दी है, इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ओके, देखिए, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक राजा रहा था, आपको पता होगा, और इसका कार्यकाल जो रहा है वो लगभग 1350 1351 से लेकर 1390 के आसपास तक रहा था। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलवाए थे। और देखिए, ये एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम थे, यानी कि कट्टर सुन्नी मुस्लिम से एक बात तो साफ जाहिर होती है कि ये अपने धर्म को लेकर काफ़ी सीरियस थे। और काफ़ी सारे लोगों ने तो इस टाइप से भी कहा है कि इस इंसान के अंदर असहिष्णुता थी और लोगों को लेकर इसके अंदर दया तक नहीं थी। इस टाइप की बातें भी कुछ इतिहासकारों ने इनके बारे में कही हैं। तो हमें नॉर्मल ये समझ लेना चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक एक कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, उसके बाद और क्या है, देखो 1960 में उड़ीसा पर आक्रमण किया था इन्होंने, आपको पता होगा। और पुरी के जो जगन्नाथ पुरी का जो मंदिर है, जो टेंपल है उड़ीसा में जगन्नाथ पुरी का, है ना, उसको ध्वस्त करवा दिया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ओके, और इनके शासनकाल में दासों की संख्या तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, लगभग ऐसा माना जाता है कि 1,80,000 दास इतनी संख्या तक इनके कार्यकाल में हो गई थी। और इन्हीं की देखभाल के लिए इन्होंने दीवान ए बंदगाह की स्थापना की थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ओके, तो ये तो हमने देखा कि इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, इसमें 2 लाइन में 4 लाइन में जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, उसके बाद बॉडी पार्ट में हम देख लेते हैं। बॉडी पार्ट में देखिए, क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है फिरोज शाह तुगलक के जनकल्याणकारी कार्यों का वर्णन कीजिए। मतलब MBBSE मेंस जो है ना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और वो घुमा फिरा के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछता। अब इसी क्वेश्चन को देख लीजिए आप, कितना ईजिली उसने सिंपल वे में क्वेश्चन आपसे पूछा है फिरोज शाह तुगलक के जनकल्याणकारी कार्यों के बारे में वर्णन कीजिए। यदि आपको पता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए जनकल्याणकारी कार्य कौन कौन से थे, तो आप डिस्क्राइब कर देंगे। और यदि आपको नहीं पता है, तब भी आपको मोटा मोटा क्लू क्वेश्चन के थ्रू ही मिल गया है कि 100% उनके द्वारा कोई ना कोई जनकल्याणकारी कार्य किए गए होंगे, इसलिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है।
तो जनकल्याणकारी कार्य कैसे होते हैं, क्या होते हैं? नॉर्मली हम सब पढ़ते हैं तो हम सब बता ही देते हैं। यदि आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, आपने नहीं भी पढ़ा है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तब भी आप इसको हिट करके इजीली आ सकते हैं यदि आप थोड़ा सा दिमाग को खुला रखें तो। ओके, तो बॉडी पार्ट में हम देख लेते हैं क्या है फिरोज शाह तुगलक के जनकल्याणकारी कार्य। देखो पॉइंट नंबर वन में है कर व्यवस्था में सुधार। क्या है ये? देखो इन्होंने उपज का 1/10 भाग, है ना, 1/10 पार्ट जो था वो वसूला जाता था इनके टाइम पर, यानी कि उपज का 1/10 भाग ही वसूला जाता था इस प्रकार के करों को, है ना। और इस प्रकार करों में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सुधार किए थे, और साथ ही साथ में उस टाइम पर लगभग 28 से 30 प्रकार के टैक्सेस हुआ करते थे, तो इन्होंने सारे के सारे टैक्सेस को ख़त्म करके सिंपल 4 टैक्सेस ही रखे थे, और ऐसा माना जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी भारत सरकार के द्वारा जीएसटी इंप्लीमेंट की गई है ना, जीएसटी पहले से कितने सारे टैक्सेस हुआ करते थे, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस अलग, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस अलग, और कभी कभार तो चीज़ें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो कभी कभार तो झगड़े की नौबत तक आ जाती थी कि इसको स्टेट गवर्नमेंट एज अ टैक्स लेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ टैक्स लेगी। तो कर व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ और एक लचीली और एक अच्छी व्यवस्था बनाना सरकार के लिए एक जिम्मेदारी पूर्वक कार्य था, है ना, उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू किया है। तो आप जीएसटी को सीधा सीधा आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक तरह की जीएसटी ही लागू कर दी गई थी, यानी कि इनके द्वारा इनके शासनकाल में लगभग 28 से 30 प्रकार के कर व्यवस्था हुआ करती थी, जिनको समाप्त करके इन्होंने क्या कर दिया था, यानी कि 3 से 4 प्रकार के करों में डिवाइड कर दिया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि सर्वेक्षण। क्या है? देखिए भूमि सर्वेक्षण, इन्होंने क्या किया था, भूमि का सर्वेक्षण कराने पर काफ़ी ध्यान दिया था, और इन्होंने अपने पैरामीटर बनाए थे कुछ, जिनके आधार पर इन्होंने भूमि का सर्वेक्षण कराया था, यानी कि किस इंसान के पास कितनी भूमि है, ये सारी की सारी जानकारी इन्होंने कलेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश की थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नहरों का निर्माण। ठीक है, देखो इन्होंने सतलुज नदी से लेकर घग्गर नदी के बीच में कई प्रकार की नहरें, यानी कि कई तरह की नहरों का निर्माण इन्होंने करवाया था, ताकि अब नहरों का निर्माण हम क्यों करवाते हैं, मान लीजिए किसी एक रीजन में बारिश होती है ठीक ठाक, तो वहाँ तो बारिश के थ्रू वहाँ पर किसानों को पानी मिल जाता है, और मान लीजिए कहीं एक ऐसा रीजन है जहाँ पर बारिश हो ही नहीं पाती है, तो वहाँ पानी कैसे मिलेगा किसानों को? तो सिंपल ये है कि किसानों की समस्याओं को, यानी कि सिंचाई से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने नहरों का निर्माण करवाया था, जो कि आज के टाइम पर हमारी चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, नदी जोड़ो परियोजना के तहत, है ना, नदियों को जोड़ा जा रहा है। और नदियों को जोड़ने का तात्पर्य सरकार का यही है कि सिंचाई से संबंधित जो समस्याएँ आ रही हैं किसानों को, उनको दूर किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, संस्कृति उत्सव। इसमें क्या है, देखो इन्होंने कल्चर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था, जो कि हमने इनके बारे में पढ़ा है कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के एक राजा रहे हैं, और ये कट्टर सुन्नी मुस्लिम रहे हैं अपने आप में, तो इन्होंने मुस्लिम धर्म के जितने भी रीति रिवाज थे उनको काफ़ी कड़ाई से पालन करवाया था, और इन्होंने कई प्रकार के जो त्यौहार जो होते थे उनमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट ये करते थे, और उसमें काफ़ी दान ये दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आधारभूत सुविधा। देखिए आधारभूत सुविधा होती क्या है, आधारभूत सुविधा होती है अच्छी एजुकेशन मिलना सभी को, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना सबके लिए, ठीक है, खाने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, तो इस प्रकार की समस्याएं जो थी, ठीक है, इन सभी पर इन्होंने ध्यान दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, और इन सभी को वॉट आउट करने का पूरा प्रयास किया था। ठीक है, और भी देख लेते हैं कुछ।
देखो, इन्होंने सिक्कों का प्रचलन किया था, है ना, सिक्कों का प्रचलन करवाया था, आपको पता होगा। मतलब 100 जीतल का नया एक सिक्का जारी किया। तो जीतल का मतलब होता है, उस टाइम पर एक प्राइस वैल्यू होती थी, तो 6 जीतल का, शायद मैं 100 बोल गया था, 6 जीतल का नया सिक्का जारी इन्होंने किया था, ठीक है। और क्या था, जनता का हित। देखो, इनके लिए सर्वोपरि जनता का हित ही रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के कार्य इन्होंने किए थे, जैसे कि जन कल्याणकारी क्रियाकलाप, ठीक है। जन कल्याणकारी क्रियाकलाप, मेन क्वेश्चन ही वो यही पूछ रहा है कि जन कल्याणकारी क्रियाकलापों के बारे में आप वर्णन कीजिए। इसमें इन्होंने काफ़ी सारे कार्य किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक रोजगार का दफ्तर एवं मुस्लिम अनाथ स्त्रियों के लिए और विधवाओं एवं स्त्रियों की सहायता के लिए दीवाने खैरात नाम का एक विभाग इन्होंने बनाया था। दारुल शफा इन्होंने शुरू किया था। दारुल शफा का मतलब था कि जीवन का अंतिम किनारा, और या फिर यूँ कहें कि जीवन का अंतिम भाग, है ना, नामक राजकीय अस्पताल का निर्माण करवाया था। एक हॉस्पिटल इन्होंने बनवाया था और गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए ये सब किया गया था, यानी कि गरीबों का मुफ्त इलाज करवाया जाता था दारुल शफा में, ठीक है। यानी कि दारुल शफा जो था, एक हॉस्पिटल का नाम था, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉडी पार्ट। और उसके बाद अब बात करते हैं कंक्लूजन की। देखो, कंक्लूजन मैंने सिर्फ एक लाइन यहाँ पर मेंशन की है, सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था इनको। अकबर से इनकी कंपैरिजन क्यों की है, क्योंकि अकबर को जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब भी कोई टॉपिक आएगा या क्वेश्चन आएगा, तो अकबर के कार्य भी इसी प्रकार के हुआ करते थे, मतलब इससे भी अच्छे कार्य थे अकबर के, तो अकबर से इनकी कंपेरिजन की है, यानी कि सल्तनत काल का अकबर इनको कहा गया है। और क्या करते हैं आप, और क्या कर सकते हैं कंक्लूजन में? देखिए, कंक्लूजन में आप बता सकते हैं आधारभूत सुविधा, नहरों का निर्माण, भूमि सर्वेक्षण और टैक्सेस रिफॉर्म्स, है ना, टैक्स रिफॉर्म्स इन्होंने किए थे। तो ये 4 पॉइंट्स जो है ना, इनको आप कंक्लूजन में भी ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं? देखिए, अभी प्रेजेंट में भारत सरकार के द्वारा टैक्सेस रिफॉर्म्स किए गए हैं, यानी कि GST इम्प्लीमेंट की है, ठीक है। इन्होंने भी एक तरह की GST इम्प्लीमेंट की थी उस टाइम पर। भूमि सर्वेक्षण, देखो आज के टाइम पर भारत सरकार को इसकी सख्त ज़रूरत है कि वो भूमि सर्वेक्षण करवाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी तक प्रॉपर पूरी तरह से डाटा है ही नहीं है कि मझोले किसान कितने हैं हमारे, और छोटे किसान कितने हैं, और बड़े किसान कितने हैं, ठीक है, और उनके पास भूमि कितनी है। और आपको पता होगा, किसानों को लेकर आए दिन समस्याएं आती रहती हैं, किसानों ने आत्महत्या कर ली, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इशूज़ हमें देखने को सुनने को मिलते हैं। तो बात यही है कि भूमि सर्वेक्षण ठीक से होना चाहिए। एक बार फिर, नहरों का निर्माण पर तो अभी भी ध्यान दिया जा रहा है, नहरों का निर्माण तो अभी भी किया जा रहा है। आधारभूत सुविधाएं, देखो, क्वालिटी एजुकेशन, एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ और सभी के लिए घर, जैसे कि आप सब देख रहे हैं अभी COVID-19 चल रहा है ना, उसका दौर, और उसमें कितने सारे लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट कर गए हैं, वो अपनी स्थायी जगह के लिए। तो एक तरह से आधारभूत सुविधा में रहने के लिए घर, घर जो है, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि अभी भी लोगों के पास अपना एक घर नहीं होता है। तो गाइस, इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया, और उसमें हमने देखा कि इंट्रोडक्शन में आप क्या मेंशन कर सकते हैं, और बॉडी पार्ट में आप क्या मेंशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ में इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन हुआ ये फिनिश, ठीक है। अब क्वेश्चन चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दीन ए इलाही के स्वरूप एवं इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। देखिए, इसमें नॉर्मली वो पूछ रहा है दीन ए इलाही के स्वरूप एवं उसके महत्व का उल्लेख कीजिए। दो बातें आपसे पूछी गई हैं क्वेश्चन में, एक तो पूछा गया है उसका स्वरूप, और दूसरा पूछा है उसका महत्व, ठीक है। दोनों को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, दीन ए इलाही का स्वरूप क्या था? दीन ए इलाही का स्वरूप जो था, नॉर्मल पहले मैं इस बात को बताता हूँ, यानी कि सभी की भावनाओं का समन्वय, यानी कि जो स्वरूप था दीन ए इलाही, धर्म का जो एक स्वरूप था, वो था सभी की भावनाओं का समन्वय,
समस्या या सभी की भावनाओं का एक समन्वय, ठीक है। और सहिष्णुता की भावना, जिसमें सहिष्णुता की भावना यानी कि आप ना तो किसी धर्म के लिए एंटी होंगे और ना ही आप किसी धर्म के लिए बिल्कुल इतने कट्टर हो जाएं कि हम अपने ही धर्म को सर्वोपरि मान लें, ठीक है। जो दीन इलाही धर्म जो चलाया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है, उस धर्म की मुख्य विशेषता ही यही थी कि उसमें सहिष्णुता का भाव हो, और सर्वधर्म की स्थापना करना ही दीन इलाही धर्म का मुख्य मकसद था, ठीक है। और कुरीतियों को ख़त्म किया गया था एक तरह से, जो जिस प्रकार की कुरीतियाँ जो थी, यानी कि जो मुस्लिम धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे वो अन्य धर्म में, जो कुरीतियाँ जो फैली हुई थी उनको समाप्त करने का एक छोटा सा एक प्रयास किया गया था अकबर के द्वारा, दीन इलाही धर्म के द्वारा, ठीक है। बाल विवाह पर मनाही थी, बाल यानी कि जो दीन इलाही धर्म था उसमें बाल विवाह, देखिए हम सब हिस्ट्री में पढ़ते हैं, पहले लड़कियों की शादी 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, फिर धीरे धीरे 8 से 9 साल की उम्र में, और उसके बाद 10 से 12 साल की उम्र में ही कर दी जाती थी। तो इससे क्या है, इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते थे, जिसके बाद फिर बाद में फिर शारदा एक्ट आया और फिर बहुत सारे रूल्स रिफॉर्म्स हुए, और उसके बाद फिर आज के टाइम पर भी 18 ईयर्स जो है गर्ल्स की जो एज है शादी की वो 18 साल है, जो कि काफ़ी कम है अभी भी, क्योंकि लगभग 20+ या फिर 21+ अभी भी डिमांड है कि 21 क्यों नहीं है महिलाओं की एज। तो बाकी में एज अभी भी कम है, क्योंकि 18 साल की उम्र है, तो 18 साल तो वो वही बात है ना कि एक लड़की जो है वो मतलब 12th पास ही कर पाएगी और उसकी शादी करा दो फिर। तो खैर अभी भी इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खैर जो भी, हम और देख लेते हैं उपासना। दीन इलाही का जो स्वरूप था वो उपासना पर आधारित था, यानी कि उसमें एक सच्ची उपासना, यानी कि आप ईश्वर की सच्ची उपासना कीजिए। ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता है, और वो हर धर्म का अलग अलग ईश्वर नहीं होता है, सारे धर्म के जितने भी लोग हैं धरती पर उन सभी का ईश्वर एक है। तो उपासना का सिद्धांत इन्होंने स्पेशली दीन इलाही धर्म के माध्यम से दिया था। एकता की भी पहचान स्थापित करता है दीन इलाही धर्म, ठीक है। दीन इलाही का मतलब था सब लोगों का एक धर्म, सब लोगों का एक ही धर्म, ठीक है, और एक ही धर्म के द्वारा सभी लोगों को बांधा जाना, ठीक है। उसके बाद सहिष्णुता, सहिष्णुता पर मैंने आपको बता ही दिया, सहिष्णुता मतलब आपसी मनमुटाव नहीं, समाज में जितने भी झगड़े होते हैं उन झगड़ों को दूर करके एक तरह से सहिष्णुता स्थापित करना दीन इलाही धर्म के द्वारा। तो ये तो हमने बात की उसके दीन इलाही धर्म के स्वरूप के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका महत्व क्या था। महत्व में देखिए आपसी भावना का विकास, दीन इलाही धर्म का विकास या फिर उसकी स्थापना ही इसलिए की गई थी ताकि हम आपसी भावना का विकास कर पाएँ। देखिए उस टाइम पर मुस्लिम और हिंदुओं में आपसी झगड़े काफ़ी ज़्यादा चलते रहते थे, तो अकबर को ये महसूस होने लगा था कि कोई एक ऐसा धर्म स्थापित होना चाहिए जिसमें हम आपसी भावना का विकास कर पाएँ। तो उन्होंने दीन इलाही धर्म के माध्यम से आपसी भावना का विकास यानी कि आपसी भावना की स्थापना करने का पूरा प्रयत्न किया था। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक सद्भावना। देखिए धार्मिक सद्भावना, देखिए आज के टाइम पर भी हम कट्टर रिलीजन को फॉलो करते हैं एक तरह से। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ए है वो हिंदू है और बी है जो मुस्लिम है, तो वो अपने धर्म को अच्छा बोलेगा और दूसरा जो है वो अपने धर्म को अच्छा बोलेगा, यानी कि वो अपने धर्म की बुराइयां नहीं सुन सकता। तो हमें हमारा एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा इस प्रकार से डेवलप करने की ज़रूरत है कि यदि हमारे हिंदू धर्म में जो चीज़ें सही हैं, जो चीज़ें अच्छी हैं, जिससे किसी के मानवाधिकारों का हनन नहीं होता है, उनका वायलेशन नहीं होता है, तो वो चीज़ें हमारे हिंदू धर्म में सही हैं, और यदि उनसे किसी के मानवाधिकारों का वायलेशन होता है तो वो चीज़ें बाकी में सही नहीं है, क्योंकि उससे हम एक अच्छे समाज का निर्माण कतई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से चाहे वो मुस्लिम धर्म में कोई ऐसी रीतियाँ हों, जैसे अभी ट्रिपल तलाक था तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के द्वारा, अभी भी खैर उस पर लॉज बनना बाकी है, वो एक अलग बात है। तो समाज में यानी कि धर्म में जो कुरीतियाँ हैं, जो आडंबर हैं,
उनको निकालना जरूरी होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि धार्मिक सद्भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। और आपको पता होगा फंडामेंटल राइट्स जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें आर्टिकल हम 26, 27 और 28 और 29 और 30 तक हम डिस्कस करते हैं। उसमें रिलीजन के बारे में ही बताया कि हमारा एक एटीट्यूड जो है वो रिलीजन को लेकर कैसा होगा, है ना। यानी कि जो हमारे कानून का जो धर्म है वो कोई भी धर्म नहीं है, है ना, वो सभी धर्मों की इज्जत करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्वधर्म का विकास। देखिए दीन इलाही का महत्वपूर्ण महत्व ही यही था कि उस धर्म के द्वारा सर्वधर्म का विकास किया गया, यानी कि सारे के सारे धर्मों का एक समन्वय, यानी कि इस धर्म को जो मानने वाला है वो सभी धर्मों की इज्जत करता है और सभी धर्मों को बराबर मानता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्याणकारी कार्य। कल्याणकारी कार्यों में क्या है, देखिए धर्म की स्थापना हुई और धर्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसमें ऐड की गई जिसमें कल्याणकारी कार्यों की तरफ विशेष ध्यान दिया गया था। कहने का मतलब जैसे कि सभी के लिए घरों की व्यवस्था हो, सभी के लिए खाने की व्यवस्था हो, सबके पास अपनी कृषि भूमि का एक क्षेत्र हो, ठीक है, और उनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी ध्यान दिया जाए। तो इस प्रकार के कल्याणकारी कार्यों का उसमें समाहरण हमें देखने को मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता, नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता में क्या है, देखो धार्मिक स्वतंत्रता हम आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में भी हम प्रॉपर आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। अब आप सोचिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता, और इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की जब स्थापना की थी तो इन्होंने इमेजिन कर लिया था कि धार्मिक स्वतंत्रता कितना जरूरी है, यानी कि उसको समझना कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मानव धर्म सर्वोपरि। देखो इन्होंने मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म माना और उसी के बेस पर दीन ए इलाही धर्म की उन्होंने स्थापना की। तो ये तो हमने डिस्कस किया बॉडी पार्ट के बारे में। अब कंक्लूजन में क्या आप कर सकते हैं, देखिए कंक्लूजन में हमें वर्तमान में क्या सीखने की ज़रूरत है। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो काफ़ी पेचीदा मुद्दा हो गया। आए दिन आपने देखा होगा, आए दिन हम मुसलमानों पर एक तरह से कमेंट करते रहते हैं, मुस्लिम धर्म पर कमेंट करते रहते हैं, या फिर मुस्लिम धर्म में कुछ लोग हैं जो हिंदू धर्म पर कमेंट करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य हमारे यही है कि हमें किसी भी धर्म पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ यदि कोई चीज़ गलत है तो हमें अपना पक्ष उसके लिए रख लेना चाहिए। बाकी की धार्मिक स्वतंत्रता हर इंसान के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है और हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के द्वारा इसको संरक्षित भी किया गया है, यानी कि इसका संरक्षण भी किया गया है। तो आप कंक्लूजन में कुछ प्रेजेंट में चीज़ें जो टच हो रही हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं, तो आपका एक अच्छा कंक्लूजन इस्टेब्लिश हो जाएगा। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बिरसा मुंडा आंदोलन का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। फिर से रिपीट कर लेता हूँ, बिरसा मुंडा आंदोलन का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए क्वेश्चन सीधा एक लाइन में ही पूछ रहा है वो कि बिरसा मुंडा आंदोलन का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए, यानी कि बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में आपने यदि थोड़ा बहुत पढ़ा है कि ये झारखंड से या फिर रांची से स्टार्ट हुआ था और इसके पैरामीटर्स क्या थे, ये क्यों स्टार्ट हुआ था, इसके पीछे क्या कॉजेज थे, क्या रीजन्स थे, तो आप इजली इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आदिवासी आंदोलन था एक, ये आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जितने भी आदिवासी आंदोलन हुए हैं, यानी कि जितने भी जनजातियों के आंदोलन हुए हैं, उनके पीछे रीजंस क्या थे। देखिए जल जंगल जमीन, यानी कि जल जंगल जमीन का संघर्ष देखो उस टाइम पर भी जारी था और आज के टाइम पर भी जनजातियों के लिए यह जारी है। आज भी जल जंगल जमीन से उन्होंने उनको एक संघर्ष करना पड़ रहा है और काफ़ी सारे ऐसे लॉज हैं अभी भी ब्रिटिश काल के जो उन पर अभी भी थोपे जाते हैं जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो पहला रीजन तो सबसे बड़ा यही था जल जंगल जमीन का। दूसरा क्या था, आदिवासी भूमि और वन, है ना, ये दो मुख्य कारण हुआ करते थे। यानी कि वो देखिए जंगल में रहते थे और यदि और जंगल में जो भूमि थी उसी का वो इस्तेमाल करते थे, उसी से वो अपना भरण पोषण करते थे, और यदि उनसे वही छीन ली जाएगी तो फिर वो रहेंगे कहाँ, वो क्या खाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट
कंपनी सरकार द्वारा कृषि का विस्तार एक व्यवस्थित रूप से है ना, या फिर व्यवस्थित रूप में कर दिया गया। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या, कंपनी ने कुछ रूल्स बनाए और ज़मीन का जो एक उन्होंने हिसाब किताब जो भी रखा वो एक व्यवस्थित रूप से रखा, और उसमें हुआ ये कि आदिवासियों को अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ गया। ठीक है, यानी कि सरकार के द्वारा, कंपनी सरकार के द्वारा ऐसे रूल्स बना दिए गए जिनकी वजह से जो आदिवासी थे उनको अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ गया, है ना। इस क्षेत्र में गैर आदिवासी लोगों की आवाजाही बढ़ गई, मतलब इस प्रकार की इंटरफेरेंस ज़्यादा एक तरह से बढ़ गए जिसकी वजह से उनको आंदोलन करने पड़े। और क्या थे, देखिए वनों में झूमिंग खेती को प्रतिबंध कर दिया गया है ना, जिससे आदिवासियों की समस्याओं में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। सरकार द्वारा वन, लकड़ी और चारागाह वन क्षेत्र पर रोक लगा दी गई। ठीक है, पुलिस, व्यापारी, महाजनों के द्वारा शोषण किया गया इन पर, जमींदारों का अत्याचार इन पर बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, तो ये इस प्रकार के कुछ मेन कॉजेस थे, यानी कि मेन रीजन थे। जितने भी आप आदिवासी या फिर जितने भी आप जनजातियों के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, ये जो मैंने आपको बताई ये मेन रीजन थे, इन्हीं के कारण ही सारे के सारे आंदोलन उन्होंने किए थे। तो बात वही आती है कि आपको जब कोई क्वेश्चन आंदोलनों के बारे में नहीं आता है, स्पेशली जनजातियों के आंदोलन या फिर आदिवासियों से संबंधित आंदोलन के बारे में यदि क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है, तो ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं ये पॉइंट्स ही उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। देखो आपको पता होगा आदिवासियों द्वारा 1900 के मध्य है ना अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया था है ना, और बिरसा मुंडा का आंदोलन एक तरह से, तो जिसको हम मुंडा आंदोलन भी बोलते हैं, और ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चलाया गया था इसलिए इसको मुंडा आंदोलन हम बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन, में आप कुछ इस टाइप से मेंशन कर सकते हैं। बॉडी पार्ट में क्या है वो सिंपल पूछ रहा है आपको कि आंदोलन का एक संक्षिप्त विवरण आपको देना है। ठीक है, मतलब गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द बिरसा मुंडा मूवमेंट, है ना। बिरसा मुंडा मूवमेंट जो है उसका एक ब्रीफ आपको, ब्रीफली उसको एक्सप्लेन कर लेना है। ठीक है, तो कुछ इसकी कार्य प्रणाली देख लेते हैं। देखो बिरसा मुंडा जो थे है ना, बिरसा मुंडा को जो जनजाति वाले जो लोग थे वो एक तरह से ईश्वर का दूत मानने लगे थे, यानी कि बिरसा मुंडा को उन्होंने ईश्वर का दूत घोषित कर दिया था। होता यह था कि वो अंग्रेजों से काफ़ी परेशान हो गए थे, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जा रहा था और लोकल जो लोग थे वो इनका उनका इंटरफेरेंस ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उनको खुद को अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ रहा था। तो बिरसा मुंडा आगे निकल कर आए और इन्होंने काफ़ी बड़ा नेतृत्व किया और जनजातियों को इकट्ठा किया और आंदोलन के लिए इन्होंने शुरुआत की। ठीक है, तो इसी की वजह से इनको ईश्वर का दूत घोषित कर दिया गया जनजातियों के द्वारा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट खेतीहर मजदूर। देखिए खेतीहर मजदूर कुछ लोग ऐसे थे जनजातियों में जो खेतीहर मजदूर थे, लेकिन जब उनसे ज़मीन ही छीन ली गई तो वो खेती कहाँ करेंगे। ठीक है, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। नेक्स्ट पॉइंट, विद्रोह की घोषणा। देखो बिरसा मुंडा के द्वारा जब अत्याचार पीक पॉइंट पर था, यानी कि चरम पर था, जब अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया तो इन्होंने विद्रोह की घोषणा कर दी और सभी को इकट्ठा किया, हथियारों को बनाना इन्होंने शुरू कर दिया है ना, यानी कि हथियार का मतलब मेरा था कुल्हाड़ी, भाला, बर्छा। ठीक है, इस टाइप के जो हथियार थे जो नॉर्मल आदिवासी द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे वो सभी इन्होंने इकट्ठा शुरू कर दिए है ना, कुल्हाड़ी, तलवार, इस टाइप की चीज़ें। देखिए ये एक धार्मिक आंदोलन भी था, हम यूँ कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, देखो हम आर्टिकल 29 और 30 पढ़ते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या है, वो ये है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। मतलब क्या है, किसी भी जनजाति क्षेत्र में उनको अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का पूरा पूरा अधिकार है। आज के सिनेरियो में हम ये बात कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए उस टाइम पर भी यही था कि इनका कल्चर अलग था जैसे कि आज भी है, तो ये अपने कल्चर को संरक्षित करना इनका मुख्य फर्ज माना जाता है, माना गया था, क्योंकि देखो हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे, तो इनका भी कुछ ऐसा ही सीन था। तो इन्होंने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया और उसके लिए आंदोलन भी किए, तो धार्मिक आंदोलन हम इसको एक बोल सकते हैं। तो ये तो था बॉडी और इंट्रोडक्शन हो गया है ना, बॉडी हो गया, और कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हैं, देखो कंक्लूजन में आप उसका पूरा निचोड़ बता सकते हैं, जैसे आंदोलन क्यों हुआ है ना और किसके द्वारा आंदोलन किया गया, इसका सब आप थोड़ा सा ब्रीफली आप इंट्रोडक्शन के थ्रू तो आपने बता ही दिया है ना, और आप कंक्लूजन के थ्रू भी, जैसे झारखंड के आदिवासियों का आंदोलन था ये, और
यानी कि झारखंड के आदिवासियों का आंदोलन था और झारखंड के आदिवासियों ने इस आंदोलन में भूमिका निभाई थी, यानी कि रांची में ये हुआ था। तो आप इसका थोड़ा सा और डाल सकते हैं कंक्लूजन में। तो इस प्रकार से गाइस हमने आज 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ठीक है, इसी टाइप से आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से पार्ट ए फिनिश हो जाएगा और 15 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, फिर पार्ट बी के भी इसी टाइप से हम डिस्कस करते जाएंगे। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। और आप चैनल की लिंक को हर जगह भेजिए, स्पेशली ऐसे लोग जो कांटेक्ट में हैं आपके, जो एमपीपीएससी की सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका इस बार प्री क्वालिफाई हुआ है, तो या फिर नहीं भी हुआ है, कुछ मार्क्स से रह गया है, तो उनको आप ये लिंक्स ज़रूर सेंड कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सो होप सो आपको तीनों क्वेश्चंस ठीक से क्लियर हो पाए होंगे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आगे की सीरीज़ में। ओके, जय हिंद।